इस सीजन में टमाटर बहुत ही सस्ते मिलते हैं। इस तरह से बढ़िया बना करके आप पूरे साल स्टोर करके इन्हें खा सकते हैं। ये आलू और टमाटर की मिक्स बड़ी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। किसी किसी सीजन में बहुत ज्यादा महंगी हो जाती हैं सब्जियां, ऐसे में इन बड़ियों की सब्जी बना करके खाई जा सकती है। रेसिपी शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर हमने 1 kg देसी टमाटर लिए हैं। इनको हमने धुल कर क्लीन कर लिया है। ये टमाटर बहुत ज्यादा खट्टे होते हैं, इनकी बड़ियाँ बहुत ही टेस्टी होती है। चाहे तो आप मार्केट के ऐसे भी टमाटरों से बड़ी बना सकते हैं, बट देसी टमाटरों से अगर बड़ियाँ बनाएंगे तो बड़ियाँ बहुत ही खट्टी बनेंगी। इन्हें बीच में से इस तरह से कट लगा देंगे और इन्हें इस तरह से निचोड़ करके इनका सारा जूस निकाल देना है। और इनका जूस निकाल करके हम मिक्सी के जार में इनको डालते जाएंगे। टमाटरों में से निकला हुआ जूस इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको हम सब्जी में इस्तेमाल कर लेंगे। इसे रख देंगे साइड में, जार का लिड लगाकर हम इसको पीस लेंगे। टमाटरों को हमने पीस लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। जितने हमने टमाटर लिए थे यानी 1 kg आलू को हमने बॉयल कर लिया है। इनके छिलके हटा करके इनको इस तरह से मैश कर लेना है। चाहे तो आप ग्रेटर से इन्हें ग्रेट भी कर सकते हैं, जिससे इनमें कोई बड़े लम्स ना रहें। आप आलूओं की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, बट आलूओं को कम ना करें। नहीं पिसे हुए टमाटर डालेंगे तो इसका बैटर बहुत ज्यादा लूज रहेगा, तो बरियों का शेप अच्छा नहीं आएगा। तो आलूओं को हमने इस तरह से मैश कर लिया है। हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्ची और अदरक का पेस्ट। हरी मिर्ची और अदरक को हमने इस तरह से दल तरह पीस लिया है। 2 चम्मच हम इसका पेस्ट ऐड कर देंगे। 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे धनिया का पाउडर। 1/2 चम्मच डाल देंगे इसमें गर्म मसाला का पाउडर। कटी हुई हरी धनिया की पत्ती डाल देंगे। धनिया पत्ती हो तो जरूर डालें, इससे बरियों का टेस्ट और खुशबू बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पिसे हुए टमाटर को भी हम इसी में ऐड कर देंगे और हाथों से सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर बढ़िया आप ज्यादा तीखी खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें तीखी लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच डाल देंगे साबुत जीरा। इन बड़ियों में जीरा का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, इसको भी मिक्स कर देंगे। तो बड़ी बनाने के लिए बैटर हमारा रेडी है। तो हम लेंगे एक थाली और थाली में हम इस तरह से बड़ियां तोड़ते जाएंगे। आप पॉलीथीन कपड़े कहीं भी बड़ियां तोड़ सकते हैं। अगर आप बड़ियां ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं फिर आप चारपाई में कपड़ा डाल दें और उसके ऊपर बढ़िया तोड़ें। इससे बढ़ियों में धूल मिट्टी वगैरह भी नहीं पड़ती और बढ़िया सूखने और निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। बढ़ियों में धूप लगवाना बहुत ही जरूरी होता है, बगैर धूप के ये नहीं सूखती। आपके यहाँ जहाँ धूप की सुविधा हो, छत, बालकनी, आंगन, वहाँ ये थाली रख करके इन्हें सूखा कर लें। बढ़िया पूरे साल के लिए बना रहे हैं तो इन्हें अंदर तक सूखना बहुत जरूरी है, इसलिए इनमें 2 से 3 दिन की पूरी धूप लगवाना बहुत ही जरूरी है, तभी ये अंदर तक अच्छे से सूख पाएंगे। डिपेंड करता है कि इनमें कितनी धूप पहुंच रही है। अगर पूरे दिन की धूप लग रही है तो 3 दिन में ये अच्छे से सूख जाएंगी। तो सारी बड़ियों को हमने इस तरह से तोड़ लिया है। इस थाली को हम रख देंगे धूप में। 3 दिन बाद इनको थाली में से निकाल के किसी एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख दें और पूरे साल इनकी सब्जी बना करके आप खा सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।